हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका जायका विद ट्विस्ट में। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मिस्सी रोटी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्सी रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए बारीक कटा धनिया, बारीक कटा हुआ प्याज, 1 कप बेसन, आधा कप मकई का आटा, तेल, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, कसूरी मेथी, जीरा पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और नमक। सबसे पहले हम एक बाउल में लेंगे 1 कप बेसन, आधा कप मकई का आटा, एक मीडियम साइज बारीक कटा प्याज, दो बारीक कटी हरी मिर्च, कटा हुआ धनिया, कसूरी मेथी, नमक आधा चम्मच, जीरा पाउडर आधा चम्मच, चाट मसाला 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, दो टेबलस्पून तेल, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पानी की मदद से इसका एक डो तैयार कर लेंगे। लोग देख सकते हैं मिस्सी रोटी का डो तैयार है। तो चलिए अब हम रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। रोटी चिपके ना, इसके लिए हम जिलेटिन बैग का यूज़ करेंगे। जिलेटिन बैग के हमने 2 हिस्से कर दिए हैं। अब आटे का थोड़ा सा हिस्सा हम लेंगे और उसको इस तरह से गोल करते हुए जिलेटिन बैग के एक हिस्से पे रख देंगे और उसके ऊपर जिलेटिन बैग का दूसरा हिस्सा रखते हुए रोलर की मदद से रोटी के शेप में बेल लेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारी रोटी तैयार है। ठीक इसी तरीके से हम बाकी बची हुई रोटियां भी बना लेंगे। देखिए हमारी सारी रोटियां तैयार हैं। तो चलिए इसे सेकते हैं। उसके लिए हमें तवे को गर्म करना है। गरम हो जाने पे हम इस पे लगाएंगे थोड़ा सा बटर। आप अगर चाहें तो तेल या घी का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस पे डालेंगे हमारी मिस्सी रोटी और मीडियम फ्लेम पे इसको दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी मिस्सी रोटी अच्छे से सेक गई है। देखिए दूसरे साइड से भी अच्छे से सिक गई है। तो बस इसे हम साइड में निकाल लेंगे और ठीक इसी तरह हम बाकी बची हुई मिस्सी रोटियां भी सेक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी मिस्सी रोटी। आप इसे चटनी, सब्जी, दाल या किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो
थैंक यू।